all the students. Hope all are fine. हमने यूनिट 4 स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जहां पे हमने डिस्कस किया था कि कैसे एटम्स कंबाइंस करते हैं और बनाते हैं मॉलिक्यूल्स. एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से एटम एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड. और केमिकल बॉन्ड बहुत तरह की थी. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया कहा था आयनिक बॉन्ड. सो आयनिक बॉन्ड क्या होती है? जब दो एटम्स जिनमें से एक के पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस हो और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जब ये दो एटम्स कंबाइन करें टू फॉर्म द मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, वहां से इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट ट्रांसफर होगी उस एटम के पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से दो तरह के आयंस बनेंगे, कैटायन एंड अनायन. और इन पॉजिटिव कैटायन्स और नेगेटिव अनायंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उससे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. कल हमने इसकी एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल्स की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स जिनके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड डिपेंड करती है. सबसे पहले लो आयनाइजेशन एनर्जी. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड हमें पता है एक एटम को कैटायन बनना पड़ेगा एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करके, डिपेंडिंग अपॉन इस आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कि कितनी एनर्जी चाहिए कि हम एक एटम के आउटरमोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें. अब जितनी आसानी से हम उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से आयनिक बॉन्ड बन जाएगी. इसका मतलब वो एटम जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम. वहाँ पे ईज ऑफ लूसिंग द इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होगा? ज़्यादा होगा. और आसानी से हमें क्या मिलेंगे? कैटायन्स. इसीलिए हमारे अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ज़्यादातर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और वो ईजली इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाते हैं? कैटायन्स. नेक्स्ट इज हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. जो दूसरा एटम पार्टिसिपेट करता है आयनिक बॉन्ड बनाने में, वो क्या बनाएगा? एनायन. और एनायन कैसे बनाएगा? जब वो एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करे. ये जो टेंडेंसी है एटम की कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करे, वो डिपेंड करती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में ताकि नेगेटिव आयन बन सके. जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ही ज़्यादा ईज होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. हैलोजन्स और ऑक्सीजन ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या बनाते हैं? नेगेटिव आयन्स. अब ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स मिलकर क्या बनाते हैं? आयनिक बॉन्ड. मतलब आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए एक एटम ऐसा होना चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज़्यादा हो. सो लेट्स मूव ऑन टू द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड्स. जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं. जितने की आयनिक कंपाउंड्स हैं वो यूजली क्या होते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और वो आयंस के बने होते हैं सॉलिड स्टेट में. आयनिक सॉलिड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी बहुत स्ट्रांग होगी. जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव द बॉन्ड एंड उनको मेल्ट कर सके. आयनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा लो होती है. आयनिक कंपाउंड्स आयंस होते हैं तो वो इजीली सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर,
और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उनका, लेकिन वो इनसॉल्युबल होते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, अल्कोहल, ईथर। आयनिक साइलेंट्स बहुत ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होते हैं और बहुत गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि सोल्यूशन में ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है बिटवीन द आयंस वो कट ऑफ हो जाती हैं और आयंस मूव करने लगते हैं, जो कारण बनता है उनकी हाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी का। विद दिस योर आयनिक बॉन्ड इज कंप्लीटली ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।